everyone, as you all know, I'm always uploading some quotes, and so today's quote is, as you can see that there is no quotes, यहाँ पे कोई quote नहीं लिखा है, सिर्फ कुछ words लिखे हैं या कुछ sentences लिखे हैं, जिसमें पहला sentence आप देख रहे होंगे, today I feel, second, today I have learned, today I am proud of, today I am commit to improve, and last you can read that, daily food for body, daily good thought for mind. So, actually it's not a quote, it's a journal. Journal means daily basis पे morning to till night बहुत कुछ update होता है, मतलब सुबह कभी mood अच्छा हो, कभी mood ख़राब, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ा, कुछ भी, whatever. According to that, at the end of the day, we can summarize whatever we feel. So, in first sentence, today I feel good, bad, or in any words, I can write it. I mean, you can also write it, as I also write it. And second is, today I have learned. Morning to till evening, there are so many events happening in our life. So we can just analyze the events at the end of the day and can summarize that what we have learned today in second topic. And in the third, today I am proud of. If you did anything good or anything like helping others or whatever, any kinds of, you can write here like, today I am proud of for what. And the last is, because as a human we always do some mistakes, it's not a big issue, I mean we can't say that we don't do any mistakes. So today I am commit to improve. If I did something wrong, morning to till the end of the day, I will commit not to repeat that mistake. Or suppose मैंने किसी पे गुस्सा कर लिया, या मैंने किसी को डांट दिया, या फिर मुझे कुछ मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो फोर्थ पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, टुडे आई कमिट टू इम्प्रूव, कि मैं इस बात पे कमिट करती हूँ कि मैं इस बात को इम्प्रूव करूँगी. और उस बात, वो बात क्या हो सकती है, कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई विल स्पीक सॉफ्टली एंड आई स्पीक रिस्पेक्टफुली, मैं जब भी बात करूँ अच्छे से बात करूँ. तो दिस द फोर्थ टॉपिक इज, टुडे आई एम कमिट टू इम्प्रूव, यानी ये चार पॉइंट्स हैं जिनको हमें रेगुलर, हमें मीन्स अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शुरू किया है, तो मैंने कहा लेट्स शेयर विद इट. और मैंने भी ये कहीं से देखा था, मतलब मैंने भी यूट्यूब में ही कहीं देखा था, तो मुझे आइडिया आया चलो मैं भी बनाती हूँ उस पर कुछ. तो हाँ, मैं ये चार पॉइंट्स फॉलो ज़रूर करती हूँ, कभी कभार मिस हो जाता है, बट ऑलमोस्ट 10 to 20 डेज मैं इसे फॉलो कर रही हूँ. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो लास्ट वाला पॉइंट है, टुडे आई कमिट टू इम्प्रूव, उसमें मैंने जो इम्प्रूवमेंट में जो बातें लिखी थी, वो आई थिंक इम्प्रूव हो रही हैं. तो आई विश कि आप इस प्लान को फॉलो करें, ताकि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ कर दी है आज में, तो हम उसे नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव कर सकें. बिकॉज एज अ ह्यूमन कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बट कब, जब हम अवेयर हों कि हमने कुछ गलती की है. और अवेयरनेस के लिए हमें एनालाइज करना ज़रूरी है, मॉर्निंग टू टिल नाइट, व्हाट वी डिड, व्हाट इवेंट हैपेंड इन आवर लाइफ. सो आज का कोट नहीं है, बट हाँ, जो लास्ट की दो लाइन है वो आप एज अ कोट ले सकते हैं. जैसे डेली फूड फॉर बॉडी, हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, एंड गुड थाट फॉर माइंड, और एक अच्छी थाट ताकि हमारा दिमाग ट्रैक पर रहे. सो इसी कोट के साथ आई wish you a happy women's day to all of you and all of ladies, and enjoy your day, and milte hain next quote ke sath tomorrow. Till then, have a nice day.